बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों मैं अमर गफूर आपको आपके अपने चैनल अमर गफूर में वेलकम करता हूं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे। तो दोस्तों अल्लाह ताला आपको और मुझे अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो इसी दुआ के साथ आज की व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों मैं सुबह सुबह नाश्ता करके निकला हूँ बाहर। अभी सुबह का तकरीबन 8:30-9 का टाइम है और मैं नाश्ता करके बाहर को निकला तो ये बच्चे पता नहीं सुबह सुबह के कब के आके यहाँ पे खेल रहे हैं। तो बाहर को निकला तो इनकी तरफ आ गया। मैं अक्सर इनकी गेम्स वगैरह देखता रहता हूँ क्योंकि बचपन में हमने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खेला हुआ है तो थोड़ी सी बचपन की यादें ताज़ा होती हैं। क्यों लड़ते पे, क्यों लड़ते पे, क्यों लड़ते पे? तो अभी आई थी एक दोस्त की कॉल, हम लोगों ने बैंक जाना है, थोड़ा सा काम है। तो अभी वो मुझे लेने आ रहा है क्योंकि मेरी बाइक घर पे नहीं है, वो अपनी बाइक पे मुझे लेने आ रहा है तो उसके साथ अभी बैंक जाना है। तो ये बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे तो इनके पास 3 से 4 गेंदें हैं, एक गुम हो जाए या छक्का हो जाए जो दूसरी करवाने लग जाते हैं। तो हमारे पास एक भी बहुत मुश्किल से मिलती थी, वो भी इन झाड़ियों में गुम हो जाया करती थी तो मिलती नहीं थी, तो बहुत मुश्किल थी। तो इनके पास तो 4-4, 5-5 गेंदें हैं। तो हमारा बचपन और इनके बचपन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो आज अभी सुबह सुबह का ही टाइम है तो गर्मी इतनी ज़्यादा है कि पता लग रहा है कि गर्मी का एंड होगा, तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है, बहुत ज़्यादा आज। अस्सलाम वालेकुम। तो गुज़ैनफर भाई आ गए हैं तो हम अभी निकलने लगे हैं बैंक के लिए। तो जिस काम के लिए गए थे हम लोग वो काम तो हो गया है और अभी हम रास्ते में रुके हैं ये गन्ने का रस यानी गन्ने की रो पीने के लिए। तो अभी हम यहाँ से रो पियेंगे फिर जो है ना गुज़ैनफर भाई मुझे छोड़ के तो फिर चला जाएंगे। कहाँ जाओगे बोलते भाई, लूली अंग्रा बोलना है सारे देनी है वैसे 400 रोज। तो अभी हमने रोज शो पी ली है तो अभी गुज़ैनफर भाई मुझे छोड़ने के लिए जाएंगे। ये साला लगा हुआ है मोबाइल पे गंदी गंदी वीडियो देख रहा है। गंदी नहीं है भाई, गंदी नहीं कोई भी, टिकटॉक है बस। टिकटॉक गंदी नहीं, टिकटॉक में बंदा अपनी वीडियो दिखाओ जो वो दोस्त है एक ब्राज़ील उसने भेजी है, 13,000 देख ले। तो
हमारे इलाके में चावल की फसल जो है वो लगना स्टार्ट हो गई है और मोटरें जो है वो चल गई हैं, तो बच्चे वगैरह जो हैं वो मोटरों को इंजॉय कर रहे हैं, मतलब कि नहा रहे हैं। तो बच्चों के पास चलते हैं ज़रा। अभी चावल यानी मुंची लगना स्टार्ट हो गई है, तो ये सीज़न है चावल के फसल का, तो अभी बहुत सारी मोटरें चलेंगी। अभी तो एक दो बंदे ने ही चावल की फसल लगाना स्टार्ट किया है, तो मोटरें जो हैं वो चल रही हैं। तो अभी जितनी देर सीज़न रहेगा ये बच्चे इसी तरह ही इस सीज़न को एंजॉय करेंगे जो लोग गाँव में रहते हैं, तो यकीनन उनका बचपन भी कुछ ऐसे ही गुजरा होगा। की हाल ने सर, ठीक ठाक हो? तुर पे हो? चलो भाई तेन भी होनी हिसाब करना है। अस्सलामुअलैकुम बग्गा जी, की हाल ने? कोई मसला नहीं, तू सुना। चलो कितना नहीं मंजी वहां लगे हो? बानी मैं बीवी दे मैं तो जी मुंजी का सीजन हो गया स्टार्ट, यानी चावलों का सीजन। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये ज़मीन किसी की है और कोई यहाँ पे लगा रहा है मुंजी यानी कि चावल की फसल। तो मैं मुंजी सिर्फ और सिर्फ वीडियो के लिए लगा रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो मुंजी लगा रहे हैं वो औरतें हैं, उनकी मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता था। सिर्फ वीडियो बनाने के लिए मैंने खुद मुंजी लगाई, और हम जो है इंशाल्लाह कुछ दिनों तक स्टार्ट करेंगे मुंजी लगाना, क्योंकि अभी स्टार्ट नहीं हुई, सिर्फ कुछ दो चार बंदू ने ही स्टार्ट की है। तो इंशाल्लाह हम लोग कुछ दिनों तक, कुछ दो चार दिनों के बाद तक इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो शाम होने का सूरज ग़ुरूब हो रहा है, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासर, अल्लाह ताला आपको और मुझे अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो इसी दुआ के साथ इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।